हेलो गाइस, अब की बार मैं आपको लिए चलता हूँ डोडीताल की सैर पर। डोडीताल जो कि उच्च हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले के जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की तलहटी में बसा प्राकृतिक सौंदर्य की अद्भुत छटा बिखेरता एक प्राकृतिक डोडीताल पहुंचने के लिए लगभग 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जो कि समुद्र तल से 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर आपको तय करनी होती है। यहां पर पैदल चलना काफी मुश्किलों भरा होता है, क्योंकि एयर प्रेशर और ऑक्सीजन की डाइल्यूट फॉर्म में मौजूदगी आपको बहुत परेशान कर सकती है। प्रतिवर्ष देश विदेश से हजारों पर्यटक हिमालयी क्षेत्र के इस अद्भुत सौंदर्य को निहारने यहां चले आते हैं। इस मार्ग में आने वाले सुंदर छोटे छोटे मुलायम घास के बुग्यालों, हजारों प्रजातियों के रंग बिरंगी सुगंध बिखेरते पुष्पों व हिमालयी औषधियों के कई एकड़ में फैले यह बुग्याल डोडीताल की यात्रा को और भी अधिक सुंदर और रोमांचक बना देते हैं। डोडीताल पहुंचने के लिए मुख्य रूप से आप दो रास्तों को चुन सकते हैं। एक उत्तरकाशी मुख्यालय से, यह रास्ता नजदीक है लेकिन इसमें आपको हिमालय बुग्यालों के दर्शन करने को नहीं मिल सकते। इसी के अलावा हम दूसरे रास्ते से आपको लिए चलते हैं डोडीताल। यह दूसरा रास्ता उत्तरकाशी जिले में रवाई घाटी यमुनोत्री मार्ग पर हनुमान चट्टी नामक स्थान से पैदल शुरू होता है। यहां से आपको निशणी गांव होते हुए रास्ते में गंडोला नामक स्थान पर रात्रि विश्राम हेतु स्थानीय लोगों के घर मिलेंगे। आप वहां रात्रि विश्राम कर सकते हैं और अगले दिन वहां से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। कंडोला के बाद आपको कुछ ही समय की और चढ़ाई शेष रह जाती है और आप आखिरकार पहुंच जाते हैं गुलाबी कांठा। गुलाबी कांठा जो कि बहुत ही सुंदर बुग्याल और रंग बिरंगे पुष्पों का एक विशाल मैदान है। गुलाबी कांठा पहुंचते ही आप अपनी आगे की यात्रा शुरू करोगे और आप दरबा बंगाण होते हुए दरबा टॉप पहुंच जाते हैं। दरबा टॉप से आपको डाउन 2.5 किलोमीटर उतरना होता है डोडीताल के लिए और आप पहुंचते हैं डोडीताल। इस तरह से ये जो यात्रा है, ये संपूर्ण यात्रा हनुमान चट्टी से डोडीताल आप